नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के लघु सचिवालय के गेट पर गांव के लोगों ने धरना दे दिया और गेट को बंद करके बैठ गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो मुख्य द्वार है लघु सचिवालय का, उस पर धरना देकर बैठे हैं और जो न्याय की, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लड़ाई का मामला बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, परंतु आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। डीएसपी से बात की गई है, परंतु आश्वासन के बाद भी अभी तक आरोपियों की नहीं गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद यहां पर परिवार गुस्से में और इंसाफ की मांग को लेकर यहां पर बैठ गया है। आपसे जानते हैं क्या मामला है? हमारी 7 तारीख को लड़ाई हुई थी, जो कि 10वें महीने की 7 तारीख को लड़ाई थी। इस तारीख को 2 महीने हो गए हैं, अभी तक 4 जनों का अरेस्ट नहीं करा है। एक उसमें नाबालिग है, 3 बालिग है, इनको अरेस्ट नहीं किया। जिन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश करी उसको भी नहीं किया। मेरे पास बेबी नहीं है, बच्चे नहीं है मेरे पास। वो यही कहते हैं कि मेरा 100 ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। क्यों? मेरे हस्बैंड को मार दिया, दोनों जगह जबाड़ा फ्रैक्चर है। मेरे जेठ जी को मार दिया, मेरे जेठ ने मुझे नीचे से निकाल ली थी। मेरे जेठ जी का हाथ फ्रैक्चर है, उनकी टांग में सीट के ले गए थे। एक लड़की है तो खून की उल्टियां भी आती है। आपने जो ना गेट जाम कर दिया मुख्य, हाँ जी, 2 महीने को सुनवाई नहीं हो रही है। पहले भी मीडिया का हमने सहारा लिया था, जब उनको सुना था, अब भी बैठे हैं, अभी कर अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वरना हमें अगर लिख के दे दो कि तुम गांव छोड़ दो, गांव छोड़ देंगे अपना। बस हमने ये कह सकता, जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे। पहले भी हमने जाम लगाया था, तो जब ये लोग बोले थे कि भाई हम 2 दिनों अरेस्ट कर ले, कुछ भी नहीं अरेस्ट करा है। 4 जने हैं, उसमें से 1 नाबालिग है, कोई बात नहीं, 3 तो बालिग है, उनको तो अरेस्ट करो। नहीं पकड़े, सतविंदर कौर, बीर बडाल में से, दलित परिवार से हूँ मैं, वो लोग पंडित। ये महिला बता रही है कि कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। जो जख्मी हालत में बैठा, जिसको चोट लगी थी, उनसे भी जानते हैं। सर, ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट कैसे लगी? भाई बता रहे हैं, भाई मेरे को नहीं ध्यान, कैसे लगी कैसे नहीं। हाँ, सिर में क्या मांग है? हम क्यों बैठे हैं? हम तो मांग प्रशासन से यही है जी, बस हमारा सुनवाई करें, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। आपसे कहता था गेट पर बैठ गया धरना दे करके, और फिलहाल अभी यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि परिवार की महिलाएं मुख्य गेट पर धरना देकर बैठ गई और गेट को जाम कर दिया गया। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी? 2-3 बार ऐसे हुई। मैं ही ये कहती थी कि चलो मेरे घर वालों को पता चला लड़ाई झगड़ा हुई, भाई तू मेरी उम्र का है, तेरे जितने मेरे भाई हैं, पर कोई सुनवाई नहीं थी। जब उन्होंने हाथापाई कर दी मेरे पीछे, मैंने उस दिन भी रेप करने की कोशिश करी थी, जब मेरे जेठ जी ने मुझे नीचे निकाली, इनके दोनों जगह से हेल्प अच्छा था। तो अभी क्या यहाँ बैठे रहेंगे हड़ताल पे, जब तक एसपी साहब या दूसरा कोई बड़ा अधिकारी आश्वासन नहीं देता? पीछे भी आप लोग आते, आश्वासन मिला था? हाँ जी, 2 दिन का आश्वासन मिला था कि 2 दिनों में अरेस्ट करेंगे, पर अरेस्ट नहीं किया। 2 महीने, 7 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे और वो लोग घर पे रह रहे हैं, और जो एक दीपक है वो बाहर ले जाने का वीजा लगवा रहा है। आपको क्या लगता है, आप दलित समाज से, इसीलिए आपको न्याय नहीं मिल रहा? हाँ जी, एक हमारे कोई ऊपर कोई जानकारी है नहीं। हम तो थानों तक जाते हैं, पुलिस वालों के पास जाएंगे, कहेंगे जी हमारे पास केस नहीं, आप डीएसपी पास जाओ। डीएसपी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई अभी वो सर है नहीं, बाद में जाना। एसपी सर के पास आते हैं, एप्लीकेशन दिया, एसपी सर हमारे सामने फोन करते हैं, हाँ जी जो भी इनकी बात है वो क्लियर करके बताओ उनको, कौन अरेस्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। ये थे दलित परिवार है, इंसाफ न मिलने कारण यहाँ पर बैठे हैं। मुख्य गेट जो करना लगे सोच चलो, उस पर बैठे हैं और धरना दे दिया। वहीं दूसरे और लोग, उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला कब तक होगा। हमने मेरे समाज के ऊपर अगर कोई भी अत्याचार होगा तो हमारे समाज की एससी काप इसको पूर्ण रूप से उठाएगी, और आज ये उठने वाले नहीं है, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ो, चाहे यहाँ पे बैठा रहना पड़ो। डीएसपी साहब को जवाब देना पड़ेगा और कैमरा और मीडिया के सामने देना पड़ेगा। एमआरआई अभी तक क्यों नहीं कराई? 1 महीना हो गया, ड्यूटी उनकी बनती है, जिम्मेदारी ली थी हमने, सेक्शन 4 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कराई कि अभी समाज के मतलब प्रशासन के थोड़े से सीनियर प्रोफेशन आदमी है तो इनको छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पर इतनी गलतियां बार बार दोहराएंगे तो न्याय कहां मांगे हम? सर, एफआईआर कब की दर्ज है? एफआईआर को तो 2 महीने के करीब हो चुका है दर्ज हुए हुए, और ये देखिए ना, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, पहले 19-10 को दिया कि 19-10 को रिमाइंडर, फिर 2-11 को रिमाइंडर, शेयर जरूर करें, 12-11 को रिमाइंडर, 22-11 को रिमाइंडर, आज रिमाइंडर फिर देने जा रहे थे कि कुछ काम कर ले, फिर एसपी साहब ही नहीं है ड्यूटी पे, तो क्या करेंगे?
पांच पांच बार डीएसपी साहब को रिमाइंड कराया जाता है कि आपने जो प्रॉमिस किया था आप उसको कब पूरा करेंगे, और वो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा एससी समाज जाएगा कहां? मीडिया के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़े बड़े गेट और बिल्डिंगें बना दी, इनमें कोई न्याय मिलता नहीं है, पुलिस अपनी ड्यूटी करती नहीं है, तो ये लोग कैसे धक्के खाएंगे? क्या महिलाओं की अगर इज्जत लुटवानी है तो भाई यहाँ बैठा के आराम से लुटवा लो ना। इस तरीके में झूठे आश्वासन क्यों देते हो? ये झूठे आश्वासन देने के पीछे ही तो प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से तो महिलाओं की और एससी समाज के लोग महिलाओं की इज्जत लूट रही है आए दिन। ये परिवार कहाँ का रहने वाला है? ये बीर बडावला गांव से है जी, निकदू थाना लगता है, और थाने के अंदर तो बुला के कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हमने पहले भी कहा था, उस आरोपी भी इनके पड़ोस के ही गांव के हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं। हमला क्यों किया गया? हमला कोई रंजिश नहीं है जी, सिर्फ रंजिश एक इस वजह से है कि ये एससी कम्युनिटी से हैं और वो सवर्ण वर्ग कहते हैं। 2% आदमी आज 85% आदमियों को ये कहने लग रहे हैं घायल हो रहे हैं जी। MRI होनी थी भाई साहब, दून साहब ने कहा था कि कल MRI करवाऊंगा, एक महीना बीत गया MRI नहीं करवा पाए दून साहब। तो MRI अगले दिन जब मैडम जी स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि तौर साहब करा देंगे। मैंने पूछा गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी सर? भाई ये आज फिर कह रहे धरने के लिए, मैं कब तक रोकूं? बोले भाई तौर साहब एक आरोपी को कल गिरफ्तार कर लूंगा। मतलब एक आरोपी आपको पता है कहाँ बैठा है भाई? दोनों को और पकड़ लो ना, कानून में आप जेल में डाल दो, अपनी जमानत करा लेंगे, न्याय पालिका है जो उसको सजा दे देगी, आपकी ड्यूटी खत्म। अब ड्यूटी को भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर तनख्वाह किस बात की? क्या लगता है आपको दलित समाज को मुख्य गेट आपने बंद करवा दिया? देखिए वैसे तो ताला ही लग जाना चाहिए, न्याय तो मिलता है नहीं, इतनी लाइनें लगी रहती हैं यहाँ पे, लाइनें लगी रहती है, प्रशासन न्याय नहीं, हजारों केस है हमारे पास ऐसे मेरे समाज के एससी समाज के जहाँ पर न्याय प्रक्रिया ढीली हो रखी है। न्याय प्रक्रिया के अंदर बात है पुलिस प्रशासन की, आज कोई मर्डर हो जाए 2 मिनट में गुत्थी खुल जालेंगे। कारण नु सोते हैं कि पहले मर्डर हो जाए, मामला हाईलाइट हो जाए कि हमने मर्डर का सुलझाया। मर्डर होने की पहले पुलिस प्रशासन उसकी कोशिश करवाता है और फिर उसको गिरफ्तार करता है। आरोपियों को पहले ही पकड़ लो ना, आप जेल में डालो, बात खत्म। ये जानबूझ के सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, और एक आरोपी तो विदेश जाने की फिराक में था, क्या पता विदेश चला भी गया हो। उससे पहले वो अपनी हरकत नहीं कर ये थे अमित अमर जो जानकारी दे रहे थे, और वहीं जो महिलाएं हैं वो गेट पर बैठ गए, मुख्य गेट को द्वार को बंद कर दिया गया, और मुख्य जो आप देख रहे हैं कि जो लघु सचिवालय है लघु सचिवालय का गेट यहाँ पर बंद कर दिया, और जो दूसरा ट्रैफिक है वो दूसरी तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है, और पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर खड़े हैं, परंतु कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है जो इन महिलाओं को मुख्य गेट से हटा सके और इस गेट को खुलवा सके। फिलहाल परिवार अपने मांग कर रहा है कि उनको न्याय की मांग दी, क्योंकि उनके ऊपर हमला किया गया था, और हमला करने के बाद जो आरोपी है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, घायल किया गया था, परंतु आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं और मुख्य द्वार पर बैठ गए हैं। वो तभी उठेंगे जब उनको इंसाफ मिलेगा। फिलहाल DSP से मांग है कि जो 3 आरोपी बाहर हैं, 1 आरोपी बाहर जा सकता है, विदेश जा सकता है, इसकी भी उनको चिंता है कि अगर वो बाहर चला गया तो उसको गिरफ्तार कहां से पुलिस करेगी। फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर महिलाएं बैठी हैं, जो घायल हैं वो भी बैठे हैं, उनके ऊपर हमला किया गया था, स्वर्ण परिवार द्वारा दलित परिवार पर हमला किया गया था, यह ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस इस मामले में कब तक इस परिवार को न्याय दिलाएगी। मैं हूं करनाल से KC आर्या, पंजाब केसरी TV।